तुम्हारी भलाई इसी में होगी शफक कि तुम मेरे शौहर और ससुराल से दूर रहो। वरना जो इल्जाम दुर्योधन पे लग सकता है वो तुम पर क्यों नहीं लग सकता? पूरे खानदान में मशहूर कर दूंगी कि तुम्हारी नजर मेरे शौहर पे थी। उर्फी भाई ने रंगे हाथों पकड़ा तो तलाक दे दी, फिर क्या करोगी? तुम पे अल्लाह का सामना सिलो, सामना सिलो जे तुम पे। नहीं जा, नहीं जा, चुप कर जा। अजाब तो तुम लोगों पे टूटेगा बल्कि टूटा हुआ है। हाँ। हाल से देख, और जो मेरा मुंह खुल गया ना, तुम्हारी बिरादरी जो ना तू तू करेगी तुम्हारे मुंह के ऊपर। हड्डी तू पीर नहीं आई, तेरे तबीयत चलते हैं, नहीं मरण बिस्तर पे बैठी ही है। सभिया, निकल जा यहाँ से। हाँ हाँ, तो यहाँ रहना कौन चाहता है खाला? चलिए अम्मा। नहीं तू अल्लाह अल्लाह कर, अल्लाह के ऊपर अल्लाह से दुआ मांग के तुझे खुदा बचाए, तुझे अजाब से बचाए। रुके रुके मैं पानी देती हूँ। रहमत खान, आप मेरी तरफ चक्कर लगा ले, मुझे आपसे जरूरी बात करी। वो आप आएगी तो मैं आपको बताती। अम्मा, रहमत खाला तो वही है ना जो रिश्ते कराती है। अम्मा मुझे शादी नहीं करनी, खुदा के वास्ते मेरी शादी मत करवाए। मैं बीमार, तुझे हार्ट जैसी जवानी कैसे काटूं? जो ही जैसे लोग मैं जीने नहीं दे, इसलिए ये फैसला करना बहुत जरूरी। नहीं करेंगे जब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं मैं जिंदा बचू ना बचू, ऐसे मेरी बात मान ले। अम्मा, मेरी जान, मेरी बच्ची। अम्मा, प्लीज मेरे साथ मत करें ऐसे।